आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा शुक्रवार को सुबह शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिरिक्त भवन का शुभारंभ किया गया। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कन्याओं की आरती पूजन कर चरण वंदना की। शुक्रवार को सुबह 11 बजे सांची विश्व के वरिष्ठ भाजपा विधायक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी द्वारा शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 550.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त भवन, क्लासरूम और लैब निर्माण कार्य और 155.23 लाख रुपए की लागत से बनने वाली कार्यशाला भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी बोले कि उच्च शिक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। उच्च शिक्षा दिलाने छात्रों को पढ़ाई और सुविधाएं दिलाई जाएगी। कॉलेज के छात्र छात्राएं बेचक होकर मुझे बता सकते हैं, इसके पूर्व कॉलेज के छात्रों, अधिकारियों और भाजपाइयों द्वारा हार फूलों से गर्मजोशी पूर्वक स्वागत किया। इस मौके पर कलेक्टर अरविंद दुबे, एसडीएम एलके खरे, जनपद पंचायत सांची के अध्यक्ष एस मुनियन, विधायक प्रतिनिधि ब्रजेश चतुर्वेदी, राजेश राजमीना, वीर सिंह पटेल, राकेश शर्मा, देव किशन, कांता देवी शर्मा, सरपंच सांचेत आदि उपस्थित हुए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रायसेन से शिवलाल यादव की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन राज्य मंत्री श्रीमती पुरंदेश्वरी जी और हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद जो कि उस वक्त पे देश के पार्लियामेंट में लीडर अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष थी, उनको हमने तीनों को एक साथ आमंत्रित करके रायसेन के गर्ल्स स्कूल में एक भव्य बड़ा कार्यक्रम में हमने इस पॉलिटेक्निक कॉलेज, सेंट्रल स्कूल और बाईपास का तीनों का भूमि पूजन हमने करवाया था, जिसकी मुख्य अतिथि परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी।